Subscribe my channel. Press the bell icon for watching my new videos. हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑलवेज न्यू। आज इस एपिसोड में आपसे बात करने वाला हूँ बॉलीवुड मूवी भारत के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। हाल ही में सुपरस्टार सलमान खान या भाईजान के नाम से भी उन्हें जानते हैं, उनकी मूवी रिलीज हुई भारत। मूवी ने जैसे ही बॉक्स ऑफिस में कदम रखे, ऑडियंस मूवी के लिए पहले से ही पागल थी। ऑडियंस ने मूवी को पहले ही दिन इतना सपोर्ट किया कि मूवी 40 करोड़ के पार जा पहुंची। मूवी ने इतना बड़ा कलेक्शन किया जितना क्रिटिक्स ने ना कि सलमान खान ने के फैंस ने सोचा होगा, क्योंकि उस दिन एक सबसे बड़ा मैच था इंडिया का, वर्ल्ड कप का मैच साउथ अफ्रीका के साथ। डिस्पाइट दिस मैच इस मूवी ने धमाकेदार कलेक्शन किया। मूवी का सेकंड डे आया, लोगों ने सोचा कि सेकंड डे पे मूवी जो है बिल्कुल ड्रॉप देखेगी क्योंकि वर्किंग डे है, लेकिन सेकंड डे पे मूवी ने धमाकेदार कलेक्शन किया अराउंड 31 करोड़ का। मैं आपको ऑफिशियल फिगर्स ये बता रहा हूँ। मूवी का थर्ड डे आया, मूवी के थर्ड डे ने भी धमाकेदार कलेक्शन किया। थर्ड डे में मूवी ने अराउंड 22 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन किया। फिर सैटरडे आया, लोगों ने सोचा था कि मूवी का जो ग्रोथ है वो ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी और मूवी के 2 करोड़ से ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन मूवी अराउंड 4 करोड़ के आसपास का मूवी ने ग्रोथ लिया, 4 से 4.5 करोड़ मूवी का कलेक्शन हो किया। मूवी ने फोर्थ डे में 26 करोड़ 70 लाख का, जो कि एक बहुत बड़ी बात है किसी भी मूवी के लिए। अब मूवी का संडे, कल संडे है और सभी इस मूवी के कलेक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं कि मूवी संडे में किस तरह से कलेक्शन करेगी। हालांकि मूवी का 4 दिन का टोटल कलेक्शन हो चुका है 122 करोड़ 20 लाख, यानी सुपरस्टार सलमान खान की एक और मूवी जो कि 100 करोड़ क्लब में शामिल हो चुकी है। अब देखना यह है कि ये मूवी 300 करोड़ क्लब में शामिल हो पाएगी या नहीं, क्योंकि लग रहा है कि 200 करोड़ क्लब में मूवी 10 दिन के अंदर अंदर 200 करोड़ क्लब मूवी क्रॉस कर जाएगी। लेकिन क्या 300 करोड़ क्लब में मूवी पहुंच पाएगी या नहीं, वो आने वाले दिन आपको बताएंगे। लेकिन हालांकि संडे आज है तो आज के दिन मूवी का कलेक्शन जो हो सकता है वो अराउंड 30 करोड़ के आसपास मूवी का कलेक्शन हो सकता है। ये मैं प्रिडिक्शन लगा जा रहा हूँ, ये ऑफिशियल फिगर्स नहीं है ऑफकोर्स, मैं प्रिडिक्शन लगा रहा हूँ संडे का कि 30 करोड़ के आसपास हो सकता है। लेकिन जिस तरह से इस मूवी ने कलेक्शन सैटरडे में किया है उस हिसाब से लग रहा है कि मूवी अराउंड 32 करोड़ के आसपास भी जा सकती है। और मूवी का कलेक्शन हो सकता है अपने फर्स्ट 5 डेज का वो अराउंड 152 करोड़ से भी ज़्यादा मूवी कलेक्शन कर सकती है अपने सिर्फ फर्स्ट 5 डेज में। और अगर मूवी इसी तरह से धमाकेदार कलेक्शन करती रही तो मूवी एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर का वर्डिक्ट भी ले सकती है। लेकिन क्या मूवी टाइगर जिंदा है जो कि पिछले साल रिलीज हुई थी उसका रिकॉर्ड तोड़ पाएगी, ये जानना दिलचस्प रहेगा। और सलमान खान की जितनी मूवीज़ रिलीज होती हैं वो एक फेस्टिवल की तरह होती हैं, लोग जमकर उस मूवी को देखते हैं। आपको क्या कहना है इस मूवी के बारे में, इसके कलेक्शन के बारे में, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारी आने वाली सारी वीडियो सबसे पहले देख सकें। धन्यवाद।